जब हम इसकी बात करेंगे FZS जो हमारा डुलक्स मॉडल है तो उसकी प्राइस आपको पड़ जाती है 1.1। सो हाय गाइस, मैसेल गोब्स। तो आज हम देखेंगे यामा की FZ स्टैंडर्ड और डुलक्स, यानी हमारा जो सेकंड टॉप वेरिएंट है एंड टॉप वेरिएंट है, अगर आप परचेस करते हो तो आपको कौन कौन से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और दोनों आप देखोगे तो वर्जन 4 आपको देखने को मिल जाते हैं, एंड इसके अंदर कौन कौन से आपको डिफरेंसेस होते वो आज हम देखेंगे। सो आज हमारे साथ है मिस्टर अशरफ भाई। सो अशरफ भाई विल बी हेल्प अस टू एक्सप्लेनिंग द मोर ऑफ द फीचर्स। तो अशरफ भाई, हम देखते हैं दोनों में, तो बेसिकली दोनों में ज्यादातर डिफरेंसेस क्या रहते हैं? दोनों में डिफरेंस अगर देखोगे तो कलर कॉम्बिनेशन का डिफरेंस आएगा, जैसे कि वो मैट फिनिश है और ये मेटालिक फिनिश आएगा कलर कॉम्बिनेशन में। मेटालिक फिनिश में अगर आप जाते हैं तो उसमें रिम कॉम्बिनेशन आपको अलग से मिलेगा, ठीक है? यानी हम देख सकते हैं इसके अंदर आपको मैट वाला मिलेगा और उसके अंदर ग्लोसी टाइप का लुक्स मिलता है। एंड रिम की भी बात करेंगे, इसमें आपको ब्लैक रिम मिलती है और उसके अंदर आप कोई भी परचेस करो मॉडल तो आपको उसके अंदर गोल्डन रिम भी मिलेगी। यानी मोस्टली इसके अंदर आप देखोगे तो थोड़ा कलर्स का डिफरेंस है, बाकी फीचर्स वाइज कम्प्लीटली सेम ही है व्हीकल। सो नाउ वी जस्ट लुक द व्हीकल क्लोजली। सो हम बेसिकली जब देखने जाते हैं तो डुलक्स के अंदर तो पता है V4 एंड V4 बहुत आता है, V4 वेरिएंट। तो आपको मोस्टली जो फीचर्स दोनों में सेम मिलेगा, बट अगर स्टैंडर्ड के आपके पास है V3 वेरिएंट तो V3 वेरिएंट के अंदर आपको थोड़े डिफरेंसेस मिल सकते हैं, उसकी हमने एक अलग वीडियो बनाई है, सो आप चेकआउट कीजिए। स्टैंडर्ड का V3 वेरिएंट लोगे तो आपको क्या डिफरेंस मिल जाएगा, सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। सो नाउ वी जस्ट कंसीडर कि V4 है, दोनों वेरिएंट में आपको क्या डिफरेंस मिलते हैं। तो नाउ वी जस्ट सी, इसके अंदर आपको साइड लाइट इंडिकेटर मिल जाते हैं, दे आर LED टाइप्स 1 एंड 2, एंड नीचे की तरफ आपको लाइट्स मिल जाती है। लेट्स ऑन द लाइट। नीचे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, एंड इसके अंदर आप रिम देखोगे तो रिम आर द 17 इंच, एंड इसके अंदर आपको रिम मिल जाती है गोल्डन कलर के अंदर। आगे आपको ABS सिस्टम मिलता है एंड द बायरी टाइप्स। एंड नाउ वी जस्ट सी, जो दिस इज स्टैंडर्ड मॉडल एंड साइड लाइट इंडिकेटर। सो दिस आर द साइड लाइट इंडिकेटर्स, एंड ये आपकी LED लाइट्स मिलती है इसमें। जैसे आता टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, एंड इसके अंदर आप देखोगे तो 17 इंच के व्हील है। जिस आता डिस्क ब्रेक, आपको यहाँ पर व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया होगा। इसके अंदर आपको गोल्डन कलर नहीं मिलेगा, बट ये वाले वेरिएंट के अंदर आपको गोल्डन कलर देखने को मिलता है। एंड इसके अंदर आप जब यहाँ पे बैचिंग देखोगे तो आपको गोल्डन कलर के अंदर बैचिंग देखने को मिलेगी वर्जन 4, एंड यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिलेगी। सेम हम जो इसमें देखते हैं, सो आपको यहाँ पे क्रोम मिल जाता है, एंड इसमें आपको मिलेगा वर्जन FZS एंड वर्जन 4 है ये वाला। एंड इसका आप जब साइड से लुक देखोगे तो साइड प्रोफाइल में आप मफलर एंड ऑल थिंग्स आर सेम। 17 इंच पीछे का व्हील है, वो आपका 17 इंच का व्हील है। एंड आप इसमें देखोगे इसमें भी आपको 17 इंच का व्हील देखने को मिलेगा, एंड दिस हाउ इट्स लुक। इसमें आपको साइड प्रोफाइल इस टाइप का देखने को मिलता है, एंड इन दिस यू कैन जस्ट सी। तो इसके अंदर आपको मैट फिनिश के अंदर दो कलर देखने को मिल जाएंगे, मैट ब्लैक एंड मैट ब्लू इन वर्जन 4 स्टैंडर्ड। जब इसके हम बात करेंगे तो इसके अंदर आप पीछे भी देखोगे जो सीट है आपको थोड़ा डिफरेंट कलर प्रोवाइड किया गया, लाइक मरून टाइप। तो इसके अंदर आपको 3 कलर मिलेंगे, ब्लैक, रेड एंड ग्रे, और सबके अंदर आपके होंगे इसके अंदर गोल्डन व्हील्स, एंड द व्हील्स आर एलॉय। नाउ वी जस्ट सी हाउ द डिस्प्ले इज लुक। ये आपका डिलक्स मॉडल है एंड द डिस्प्ले इज क्वाइट गुड। अब हम V3 मॉडल में देखेंगे डिस्प्ले कैसी है। सो दिस टाइप ऑफ द डिस्प्ले यू गेट इन स्टैंडर्ड V4 वेरिएंट। लेकिन अगर सपोज आप V3 के अंदर जाओगे तो V3 और सो स्टैंडर्ड V3 के अंदर डिस्प्ले आपको इस टाइप की मिलेगी, एंड दिस इज लिटिल बिट शॉर्टर। और ये वाले वेरिएंट के अंदर आपको थोड़े फीचर्स कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू दिस वेरिएंट। देखो इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलेगा, बाकी वो वाले वेरिएंट में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को नहीं मिलता। सो डुलक्स मॉडल की आप लाइट्स देखोगे तो आपको LED लाइट्स मिलेगी साइड में। दिस आर LED, दिस आर एंड दिस इज आर ऑल्सो LED ऑन द नाउ। एंड नाउ वी जस्ट लुक एट दैट वन। सो हमारे स्टैंडर्ड का V4 वेरिएंट है, इसके अंदर आप देखोगे तो आपको LED यहाँ पे मिलेगी, दिस इज ऑल्सो। सो इसके अंदर आपको LED मिल जाती है, देन नॉट हेलोजन टाइप। एंड व्हेन यू जस्ट गो फॉर द स्टैंडर्ड के अंदर V3 में जाओगे
हेलोजन टाइप मिलेगी। तो दिस इज कम्प्लीटली अ डिफरेंशियल वीडियो, आप देख सकते हो कि हमारे स्टैंडर्ड V4 एंड ड्यूलक्स V4 के अंदर। सो नाउ हम जब प्राइस कंपैरिजन करेंगे, तो स्टैंडर्ड का V4 की प्राइस आपको अप्रोक्सीमेटली पड़ जाती है 155 पड़ जाता है। एंड दिस इज लाइक द प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ 31st December 2023। आफ्टर सम टाइम द प्राइस कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू द इन्फ्लेशन रीजन। जब हम इसकी बात करेंगे FZS जो हमारा ड्यूलक्स मॉडल है, तो उसकी प्राइस आपको पड़ जाती है 155,600। मतलब इन दोनों के प्राइस में आप जब डिफरेंस देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 600 का डिफरेंस आता है। एंड मोस्टली इज डिफरेंट ड्यू टू एलॉय व्हील के अंदर आपको कलर्स मिल जाते हैं, एंड एलॉय व्हील आर ऑफ द गोल्डन कलर। बट जब आप कंपैरिजन करोगे ड्यूलक्स मॉडल यामा FZS का और स्टैंडर्ड मॉडल, बट V4 की जगह V3 में जाओगे तो प्राइस इज अप्रोक्सीमेटली 10,000 लेस, बिकॉज उसके अंदर आपको थोड़े फीचर्स कम मिल जाते हैं। द फीचर्स लाइक हेलोजन मिल जाएगा, LED लैंप्स नहीं मिलेंगे आपको, एंड उसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आएगा। दिस आर द फीचर्स, एंड आई ऑल्सो मेड अ वीडियो, उसके अंदर मैंने कम्प्लीटली डिफरेंशिएशन बताया हुआ है बिटवीन द FZ स्टैंडर्ड वेरिएंट V3 एंड V4। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई थैंक मिस्टर सरनपाई, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी इन दिस वीडियो। टुडे देयर इज नो क्वेश्चन फॉर माय सब्सक्राइबर, आई ओनली आस्क देम को इन दोनों में से कौन सा वेरिएंट अच्छा लगा, लाइक स्टैंडर्ड का V4 करोगे या फिर ड्यूलक्स का V4 आप परचेस करोगे। जस्ट राइट अबाउट दिस इन द कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।